हेलो नमस्ते दोस्तों, आज दिव्या किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी घर पे हम लोग सूजी का नाश्ता कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन होंगी सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हम लोग सूजी का नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी सूजी ली है, ये 500 ग्राम के लगभग होगी है। तो ये 500 ग्राम के लगभग होगी और ये मैंने लिए हैं 4 से 5 आलू बॉईल हुए और इनके ऊपर मैंने छिलका भी निकाल लिया है। ये मैंने लिया है प्याज, ये मैंने लिया है मिर्ची और ये मैंने टमाटर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग सूजी का पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने बाउल लिया, आप देख सकते हैं। तो सूजी सबसे पहले हम लोग बाउल में डाल लेंगे और सूजी जो मैंने ली है बिल्कुल बारीक पीसी हुई, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। ये मैंने सूखी मिर्ची को कूट कर बनाया है, आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो काली मिर्च का पाउडर होता है उसको भी डाल सकते हैं। तो हम लोग अब इसको डालेंगे और अब इसके बाद हम लोग नमक डालेंगे। नमक मैंने इसी चम्मच से मेज़र करके 1 चम्मच डाला, आप देख सकते हैं। तो हम लोग पेस्ट में डालेंगे छाछ। छाछ जो दही होता है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बनती है, तो इस टाइप की वो होती है। तो मैंने उसी में छाछ लिए जिसमें मैंने सूजी ली थी। तो हम लोग थोड़े थोड़ा छाछ कर इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा ही छाछ डाला, आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दही का भी यूज कर सकते हैं। इसमें और डालेंगे हम लोग छाछ। तो देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा छाछ इसमें यूज़ किया और बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों को पेस्ट रखना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी हम लोगों को इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे तो चलेगा, पर इसको पतला नहीं करना है। तो हम लोग 10 मिनट के लिए पेस्ट को रखेंगे और जब तक हम लोगों का पेस्ट रखेंगे हम लोग अपना मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को हम लोग गर्म करेंगे। तो हम लोगों की कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हम लोग अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने 2 चम्मच के लगभग डाला है, इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच डाला है ऑयल। तो हम लोगों का तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम लोग अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और गैस का फ्लेम लो रखना है। इस टाइम काला जीरा डालेंगे अब हम लोग। अब हम लोग डालेंगे इसमें मिर्ची कटी हुई, और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे हम लोग। और मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का ज्यादा यूज करूंगी, इसीलिए मैंने हरी मिर्च कम डाली है। तो प्याज को भी मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक, इसका कलर ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम लोग। तो इनका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। और जब तक ये इसका हम लोग उन्हें थोड़ा सा पकाया इसको, और इतने मैंने इसमें आलू जो हम लोगों ने लिए थे वो भी मैश कर लिए हैं। तब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे और आलू को सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो आलू मिक्स हो चुके हैं, अब हम लोग इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अब हम लोग इसमें डालेंगे नमक। और इनको मिक्स कर लेंगे। तो हम लोगों का मसाला मिक्स हो चुका है, तो हम लोग अब इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे हम लोग। और आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने बिल्कुल कम ऑयल का यूज किया है। तो हम लोग अब इसको थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। तो हम लोगों को इसको 2 मिनट के लिए पकाना है और बीच बीच में चेक भी करते रहना है।
तो अब हम लोगों का मसाला तैयार हो चुका है। मैंने इसको चेक कर लिया है, 2 मिनट भी इसको हो चुका है। तो हम लोगों का मसाला तैयार हो चुका है, तो हम लोग अब गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। नींबू के रस से इसका टेस्ट अच्छा आएगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं। तो हम लोगों का मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो हम लोग सूजी के पेस्ट को देख लेते हैं। तो सूजी को 10 मिनट रखने के कारण ये थोड़ी सी फूल चुकी है, तो हम लोग एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पानी को भी मिक्स कर लेंगे अब हम लोग। तो अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, ये पेस्ट भी तैयार हो चुका है और मसाला भी तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो हम लोग अब पैन लेंगे। तो ये मैंने नॉनस्टिक पैन लिया, तो पैन को सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे। और अब हम लोगों का पैन गर्म हो चुका है, तो हम लोग अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो हम लोग अब इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को पूरा फैला लेंगे पैन में। तो ऑयल को हम लोगों ने फैला लिया, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसमें पेस्ट डालेंगे। तो हम लोग इसको चमचे की हेल्प से इसमें पेस्ट डाल देंगे। और इसको फैला लेंगे। तो मैंने इसको पूरे पैन में फैला दिया और मैंने इसमें 2 चमचे डाले थे उसी को मैंने फैलाया है। और इसको चम्मच की हेल्प से पूरा गोल किया है मैंने। तो हम लोग अब इसको फर्स्ट लेयर से सेक लेंगे। तो मैंने इसमें पेस्ट को भी निकाल लिया है और ये मैंने सॉस लिया है और ये दूसरी कटोरी लिया है। तो दूसरी कटोरी में हम लोग डाल लेंगे ग्रीन चिली सॉस, बिल्कुल एक चम्मच के लगभग हम लोगों को इसको यूज़ करना है। और अब हम लोग इसमें डालेंगे सॉस, ये टोमेटो केचप है। और इनको मिक्स कर लेंगे हम लोग दोनों को। और अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप जो टोमेटो केचप होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम लोगों को ये भी सीख चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसको भी पलट लेंगे। अरे बिल्कुल आसानी से पलट जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का ये जो पेस्ट हम लोगों ने डाला था उसका फर्स्ट लेयर सिक चुका है। तो हम लोग अब दूसरी लेयर को तो बस थोड़ा सा सेकेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम लोगों का सिक चुका है। दो हम लोगों को इसको 1 मिनट के लिए सेकना है दूसरी साइड से। तो हम लोग प्लेट में इस तरीके से इसको डाल लेंगे और अब इसको पलट देंगे हम लोग। तो मैंने इसको पलट दिया, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने सॉस का पेस्ट बनाया था उसको लगाएंगे। तो इसको मैंने, आप देख सकते हैं, लगा लिया है। और अब हम लोग इसमें भर देंगे मसाला। तो मसाला हम लोगों को इस तरीके से भरना है। तो हम लोग इसको जो लेयर बची हम लोगों की थोड़ी सी उसको हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये दूसरा वाला भी हम लोग पलट लेंगे और इस तरीके से दबा देंगे इसको पलट कर दोनों साइड को। तो आप ये देख सकते हैं हम लोगों का नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है और कितना टेस्टी दिख रहा है ये। तो इसके हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसको सेकेंगे और तब अब इसको निकाल लेंगे। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों का नाश्ता। तुम्हारे सिंपल तरीके से रेसिपी बनाने
ये नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग अब इसको कट करके भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बना है। तो हमारे सिंपल तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।